टिक्की बनाया है व्रत का भाई है व्रत में। मम्मी बोलो हैप्पी महाशिवरात्रि। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगारागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नाकाराय नमः शिवाय। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज है महाशिवरात्रि, तो आप सभी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हमारे और हमारे फैमिली की तरफ से वेरी वेरी हैप्पी महाशिवरात्रि। कैसे हैं आप सब? आप सभी का मेरे चैनल में दिल से स्वागत है। और अगर हमारे चैनल में जो भी न्यू हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ मॉर्निंग में मैं आई हूँ छत पे पूजा करने के लिए। नीचे मंदिर में मेरी पूजा हो चुकी है। तो आप सबको पता ही है कि हमारे भोलेनाथ का जो शिवलिंग है वो छत पे ही है, तो बस वहाँ पे आई हूँ मैं अच्छे से पूजा करने के लिए। तो घर पे पूजा करने के बाद हम लोग जस्ट निकल चुके हैं मंदिर के लिए। और आप सबको आज खास बात भी बतानी है कि हम लोग मंदिर तो पहुँचे पर दर्शन नहीं हो पाया। और क्या वजह थी जो हम लोग दर्शन नहीं कर पाए, उसकी वजह मैं आप सबको ज़रूर बताऊँगी। बोलो हैप्पी महाशिवरात्रि। शिवरात्रि। बोलो ओम नमः शिवाय। तो यहाँ पे हम लोग घर पे ही पहले घर पे पूजा किया हम लोगों ने, उसके बाद यहाँ पे श्री को भी मैंने तैयार करके उसके बाद उसको टीका उका लगाया और हम लोग निकल चुके हैं मंदिर के लिए। तो हम लोग मंदिर तो जा ही रहे थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना दीदी को भी साथ में ले चले। तो ये है मम्मी साथ में। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मम्मी कौन है, तो मैं आपको बता देती हूँ, ये है दीदी की मदर इन लॉ, तो ये मेरी भी मम्मी हुई। तो बस मैं उन्हीं को ले जा रही थी दर्शन कराने के लिए। हम सब जा रहे थे, सब मतलब पूरा परिवार जा रहा था दर्शन करने के लिए। तो ये देखिए आप सब, हम लोग मंदिर आ चुके हैं और यहाँ पे देखिए सब जा रहे हैं, लेकिन आपको एक खास बात देखने को मिल रही होगी। तो यहाँ पे देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, मतलब अगर हम लोग बच्चों को लेके अगर वहाँ रुकते तो कम से कम 4 या 5 तो बच जाता, और पता नहीं दर्शन करने को मिलता कि नहीं मिलता। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी, तो हम लोग यहाँ से दर्शन नहीं कर पाए। और ये विंध्याचल मंदिर है, आप सब कई बार मुझे देखे होंगे यहाँ पे मैंने दर्शन किया हुआ है। तो आप सबको मैंने यहाँ पे मैं लेके आई हूँ आप सबको। तो ये भीड़ देख के उसके बाद जस्ट हम लोग यहाँ से फिर निकल गए थे फिर दूसरे मंदिर के लिए। तो ये मान्यता वाले मंदिर हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा था कि यहाँ पे दर्शन कर लेंगे, लेकिन जहाँ भी शिव जी स्थापित है सोचिए वहीं मंदिर है, वहीं शिव जी हैं हमारे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग कहीं भी दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपने घर के पास, दीदी के घर के पास ही एक जानकी वाटिका मंदिर है, वहाँ पे हम आ गए थे और यहाँ शिव जी के दर्शन किए। तो यहाँ पे दीदी लोग देखिए आरती कर रहे हैं। मतलब ये है कि हम लोग निकले तो दर्शन हो गया, भले ही कहीं और हुआ लेकिन हम लोगों ने दर्शन कर लिया। और तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब अपने श्रद्धा भाव से पूजा कर रहे हैं। और मैं सबसे पहले पूजा मैं कर ली थी, तो यहाँ पे मैं वीडियो बना रही थी। तो यहाँ दीदी जीजा जी आरती कर रहे हैं और सब लोग बैठ के यहाँ पे जाप भी कर रहे थे। बहुत अच्छा मंदिर है, काफी बड़ा मंदिर है। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपको सीधे घर में। क्या खा रहे? तो वापिस आते वक्त हम लोग दीदी के यहाँ चले गए थे, वहीं से हम लोग चाय और फलाहार करके आ गए थे। यहाँ पे सीएम को मैं एप्पल कट करके दी हूँ, तो वो एप्पल खा रही है। बोलो यम्मी डन। वेरी गुड। सो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे श्रीयु एप्पल खा रही हैं, मैंने इनको कट करके दिया है। और अब मैं जा रही हूँ साबूदाने की टिक्की बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं उसकी रेसिपी।
तो आलू और साबूदाने की टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले मैंने साबूदाने को भिगो के पहले ही रख दिया था, और यहाँ पे मैं आलू को कर रही हूँ कद्दूकस, और आलू को भी मैंने पहले ही बॉयल करके रखा हुआ था, और ये थोड़ा ठंडा हो गया इसलिए मैं इसको कद्दूकस कर रही हूँ। अगर गर्मा गर्म ही इसको कर लिया होता तो इतना मतलब दिक्कत नहीं होती, अगर आप जब भी करिए तो गर्मा गर्म ही इसको कद्दूकस करिए। तो चलिए इसको जल्दी से हम कद्दूकस कर लेते हैं, उसके बाद रेसिपी आप सबके साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आलू को कद्दूकस कर लिया है, और यहाँ पे कुछ आलू बच भी गए हैं तो उसको मैं साइड में रख दूंगी, बाद में कुछ बना लेंगे। और यहाँ पे जो मैंने साबूदाने को भिगो के रखा हुआ था उसको अच्छी तरीके से छान लिया है मैंने, और अब मैं इसको कर रही हूँ मैश। तो साबूदाने और आलू को इतने अच्छे से मैश करना है ताकि आपको उसमें साबूदाना बिल्कुल भी पता ना चले, तो बस इसीलिए मैं इसको अच्छी तरीके से कर रही हूँ मैश। और थोड़ा थोड़ा मैं साबूदाना ले रही हूँ, मैं ये भी देख रही हूँ कहीं साबूदाना ज़्यादा ना हो जाए, तो इसलिए मैं बराबर बराबर ही रखना चाह रही हूँ। तो इसको अच्छी तरीके से मैश कर लूँगी, उसके बाद देखते हैं इसमें क्या क्या मैं ऐड करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने साबूदाने को अच्छी तरीके से कर लिया है मैश, और हम इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ ऐड कर दिया है बारीक कटी हुई हरी मिर्च, उसके बाद मैंने बारीक कटी हुई हरी धनिया इसमें ऐड किया हुआ है, और इसको बारीक काट करके मैंने रखा हुआ था। वैसे जब भी आप व्रत का कोई मतलब कोई चीज़ बनाइए, कोई रेसिपी बनाइए, तो उसमें हरी धनिए के जो जो स्वाद होता है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ व्रत का नमक, उसके बाद इसको भी अच्छी तरीके से करेंगे मैश। और यहाँ पे जो मेरा बैटर है वो बन के रेडी हो चुका है, तो बस इसको मैं रख दूँगी, और इसको मैं रखूँगी फ्रीज़र में। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं फ्रीज़र में क्यों रख रही हूँ, एक्चुअली क्या है कि इस समय जो आलू आ रही हैं बहुत ज़्यादा गीले और चिपचिपी जैसे आ रही हैं, तो मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी, तो बहुत अच्छे से ये हो जाएगा सेट, और उसके बाद हम टिक्की बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं। और फ्रिज में रखने से वो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा आलू जो है, और क्योंकि मैं जब भी आलू का पराठा भी बनाती हूँ तो उसको ज़रूर मैं एक बार फ्रिज में रख देती हूँ, जब भी उसका जो मिक्सचर है वो जो मैं रेडी करके रखती हूँ उसको ज़रूर फ्रिज में एक बार रख देती हूँ। तो बस यहाँ पे जो मिक्सचर है आलू और साबूदाने का वो बनके हो गया है रेडी। अब हम इसमें सबसे खास चीज़ ऐड करेंगे, जैसा कि जीरा पाउडर। यहाँ मैंने भुना हुआ जीरा पीस के रखा हुआ है, तो यहाँ हल्का सा मैं जीरा पाउडर डाल रही हूँ, इससे टिक्की का जो टेस्ट है और भी ज़्यादा अच्छा होगा, डिलीशियस होगा। तो बस इसलिए इसको मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। फिर मैं भूल गई थी, मैं फ्रिज में रखने गई तो मेरे को याद आया कि हाँ इसमें अभी थोड़ा सा और ही कुछ मिलाना बाकी है, तो यहाँ पे मैंने जीरा भी डाल दिया है। इसको अच्छी तरीके से करेंगे मिक्स, तो बस अब हम इसको रख देंगे फ्रिज में। तो चलिए दोस्तों, जब से हमारा जो आलू है वो सेट होता है तब तक हम यहाँ पे बनाएंगे टमाटर और हरे धनिए की चटनी। तो यहाँ पे मैंने 3 टमाटर लिया है, लेकिन मैं डालूंगी इसमें सिर्फ 2 टमाटर। उसके बाद यहाँ पे मैंने हरे धनिए को अच्छी तरीके से धुल के रखा हुआ था, और अदरक नहीं डालूंगी क्योंकि अदरक से इनको दिक्कत होती है, तो इसलिए मैं चटनी में बिल्कुल भी अदरक नहीं डालूंगी, मुझे तो बेहद पसंद है। तो बस यहाँ पे मैं टमाटर को कट कर लिया है, अब हम पीस लेंगे जो चटनी है, और इसमें मिर्चा डालूंगी हरा वाला। उसके बाद हम डालेंगे इसमें नमक, नमक आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। तो बस ये हमारी व्रत वाली चटनी बनके रेडी हो चुकी है, अब हम इसको एक जार में निकाल लेंगे। तो आलू और साबूदाने का जो मिक्सचर मैंने रेडी किया था वो अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। अब हम यहाँ पे हल्का हल्का ऑयल लगाएंगे, और घी लगाएंगे। यहाँ पे मैंने घी लिया हुआ है, उसको अच्छी तरीके से अपने हाथों में लगाएंगे, उसके बाद इसकी जो टिक्कियाँ हैं वो बना के पहले रख लेंगे। तो बस यहाँ पे मैंने तवा चढ़ा दिया है, और इसमें हम घी डालेंगे तवे में, उसके बाद हम जो टिक्कियाँ बना के रखे हैं उसको सब लगा देंगे इस तरीके से। उसके बाद हम इसको धीमी आंच में पकने देंगे, क्योंकि देखो पहली बार जब भी टिक्कियाँ डालते हैं ना वो पहली बार चिपकती है। उसके बाद जितने भी आप टिक्कियाँ बनाएंगे रेडी करेंगे बहुत अच्छे से निकलेंगी। तो यहाँ पे आप ऑयल भी डालते रहिए थोड़ा थोड़ा। अब हम अपनी टिक्कियों को पलट लेंगे, क्योंकि अब वो हल्की हल्की क्रिस्पी होना स्टार्ट हो चुकी है, तो इसलिए हम इसको पलट लेंगे और थोड़ा सा और क्रिस्पी करेंगे। के बाद मैंने यहाँ लिया हुआ है दही, और आप लोग सोच रहे होंगे मैंने यहाँ दही क्यों लिया हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ पे टिक्की बना रही हूँ तो टिक्की चाट के जैसे बन जाएगी, तो यहाँ पे मैं थोड़ा कुछ अलग सोच रही थी। तो इसमें मैंने मिलाया है शक्कर, और उसके बाद मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स घोल बना लूँगी कुछ इस तरीके से। तो अभी कुछ टिक्कियाँ तो बन के रेडी हो चुकी थी, लेकिन कुछ टिक्कियाँ मैंने उस पर तवे पर रखा हुआ था, तो बस उसको मैं कर रही हूँ फ्राई।
तो बस हमारी जो टिक्की है बनके रेडी हो चुकी है और यहाँ पे मैंने सारी टिक्कियों को लगा लिया, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ डालेंगे ग्रीन चटनी जो बना के मैंने रेडी किया हुआ है, सारे मतलब चारों तरफ डालेंगे टिक्की के। उसके बाद मैंने जो चीनी और दही का घोल बना के रेडी किया हुआ था उसको हम इसमें ऐड करेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा और अच्छा टेस्ट लाने के लिए हम इसमें डालेंगे ज़ीरा पाउडर कुछ इस तरीके से, और टेस्ट के लिए आप इसमें नमक और डाल दें। तो बस यहाँ पे हमारी जो आलू टिक्की है, आलू और साबुदाने की जो टिक्की है वो बन के रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब हम अपने हबीब जी को मतलब अपने पतिदेव जी को खिलाते हैं और पूछते हैं कि हमारी जो आलू की टिक्की है वो कैसी बनी हुई है। आपके लिए ये है आलू और साबुदाने की टिक्की। आप भी बोल दीजिए सबको महाशिवरात्रि। प्यारे प्यारे दोस्तों को, भाइयों बहनों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां शुभकामनाएं। ईश्वर करे भोलेनाथ आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएं और आपके घरों में धन लक्ष्मी की बरसात। तो चलिए इसको टेस्ट करिए, बताइए कैसा बना है। टिक्की बनाया है व्रत का भाई, अगर व्रत में इस टाइप का फलाहार खाने को मिले तब तो फिर क्या कहने, आदमी रोज व्रत रह सकता है। अब देखते हैं इसे टेस्ट करके कि कैसा बना रही है। देखने में तो बहुत ही लजीज और टेस्टी और डिलीशियस लग रहा है, खा करके देखते हैं। वाह भाई वाह, देखिए हैवी है। हाँ वैसे इसकी जो है टिक्की अलग बनती है, लेकिन मैंने इसको चाट के जैसे बना दिया है। नहीं तो साबुदाना भी मिला हुआ है क्या? हाँ। अच्छा बड़ा बन गया ना। अच्छा साबुदाना और आलू दोनों मिक्स करके बहुत अच्छी और टेस्टी बनी है, डिलीशियस बनी है दोस्तों टिक्की। रेसिपी शेयर करी है आपने दोस्तों के साथ? हाँ रेसिपी तो मैंने रेडी कर लिया, बस एडिटिंग बाकी है। हाँ तो रेसिपी शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ये वो बनाए। दोस्तों आप लोग भी हम लोग के साथ एंजॉय करिए साबूदाना प्लस आलू की टिक्की का, बहुत ही लजीज बनी हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं भी इसको टेस्ट करती हूँ, अभी तो मैं बना रही हूँ फिलहाल, गर्मा गर्म इनको दे रही हूँ, उसके बाद मैं भी टेस्ट करूंगी कि कैसा बना है। तो फ्रेंड्स ये साबुदाने और आलू की टिक्की की जो तारीफ है मुझे बहुत ज़्यादा सुनने को मिली, तो चलिए अब मैं भी इसको टेस्ट करती हूँ और बताती हूँ कि कैसा है। आइए आप सब भी खा लीजिए। तो साबुदाने और आलू की टिक्की बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, आई होप आप सबको भी पसंद आई होगी। तो ऐसा रहा हमारा आज का शिवरात्रि का दिन, और आप सबका कैसा रहा बताइएगा ज़रूर कॉमेंट में। और वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ, वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय फ्रेंड्स एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस, बाय बाय।